हाय फ्रेंड्स, मैं आरती, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक स्पेशल वीडियो है, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस वीडियो में हम आज आपको NIOS के बारे में बताएंगे। NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी ऐसी एक संस्था जो लोगों को शिक्षा प्रदान करती है, लोग यहाँ से पढ़ते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं NIOS के, नौकरी में ये मान्य है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जब कोई यहाँ से कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा लेता है, तो सबसे पहला यही सवाल होता है कि यदि मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और मेरी जो डिग्री या डिप्लोमा मेरे पास है वो NIOS से है, तो क्या वो मान्य होगा, और इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, क्या कोर्स हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा NIOS के बारे में। देखिए, NIOS से वही लोग जुड़ते हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। गांव, सुदूर गांव के लोग ऐसे होते हैं, दूरांचल गांव के ऐसे लोग होते हैं जहां स्कूलें बहुत दूर होती हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं। जैसे आप एक टीचर हैं और आप जॉब कर रहे हैं, अब आपको स्कूल भी जाना है, और अगर आप कहीं और से डीलेट करते तो आपको रेगुलर मोड पर आपको डेली वहाँ भी जाना पड़ता, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये NIOS है, या फिर जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो बहुत बेनिफिट देती हैं कि आप जॉब में रहते हुए भी वहाँ से सभी कोर्स आप कर सकते हैं, कि बेनिफिट आपका मिलता है जो भी आपके डिस्टेंस एजुकेशन होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे नाम से ही पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये एक तरह की स्कूल है, संस्था है, और जहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा के साथ साथ में स्कूल की सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। यदि आप 10th करना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं, तो आप NIOS से कर सकते हैं। आप कोई डिग्री डिप्लोमा लेना चाहते हैं, आप डीएलएड करना चाह रहे हैं, आप जैसे इस समय ब्रिज कोर्स जो है बीएड वालों के लिए वो कराया जा रहा है, तो कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स भी चल रहे हैं जो NIOS कराता है। तो चलिए आइए इसमें डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला इसका एक चीज़ उठाते हैं कि यहाँ से लोग स्टडी क्यों करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कम फीस का कम होना। जनरली क्या होता है कि जो और संस्थाएं होती हैं, यदि कोई किसी स्कूल से 10th या 12th करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो लोग जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो होता है इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो बहुत स्तर का होता है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये ऐसी संस्थानों से जुड़ते हैं और ऐसी जगहों से जुड़ते हैं, और यहाँ से वो जो डिग्री है, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है लेते हैं, कोर्स को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। दूसरी बात, परीक्षा के कई मौके। जनरली अगर यदि आप किसी स्कूल से करते हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल है, यदि आप वहाँ से कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम के आपको एक ही मौके दिए जाते हैं, और देन यदि सप्लीमेंट्री आते हैं तो आपको सेकंड मौका दिया जाता है, वरना यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर वही चीज़ करनी पड़ती है, फीस जमा करना, एग्ज़ाम देना। लेकिन NIOS में ऐसा नहीं है, यहाँ आप परीक्षा के आपको कई मौके दिए जाते हैं, कई बार आपको चांस दिया जाता है कि यदि आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर आप फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ से 2 या 3 या 4 महीने में, इसके एग्ज़ाम 6 मंथ में चलते ही रहते हैं, तो आप फिर से अगेन उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बेनिफिट एक इसमें है कि फीस तो कम होती है, लेकिन उसके साथ में आपको मौके भी मिल रहे हैं अपने एग्ज़ाम को फिर से देने का, इम्प्रूवमेंट का। तो दो बेनिफिट यहाँ पे हो गए हैं कि NIOS यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ फीस तो कम होती है, और जो और भी संस्थाएं हैं, और भी इंस्टीट्यूट हैं, और भी स्कूलें हैं उनके अकॉर्डिंग, और परीक्षा के आपको कई मौके दिए जाते हैं, आप कई बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, सरकारी मान्यता है या नहीं। देखिए, यदि हम सरकारी मान्यता की बात करें तो बिल्कुल इसकी सरकारी मान्यता है, NIOS को सरकारी मान्यता मिली हुई है, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। और देखिए, जो सरकारी मान्यता मिलती है वो आपका MHRD से अप्रूव्ड है, ये यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आपका MHRD है या मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे हम बोलते हैं, उससे ये अप्रूव्ड है। तो बिल्कुल निष्फिक्र और निश्चिंत हो के आप यहाँ से कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि NIOS जो है उसको सरकारी मान्यता मिली हुई है, MHRD से अप्रूव्ड है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
चलिए अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक और टॉपिक ले लेते हैं जो बेहद ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो टॉपिक जब आप डीलर एड कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स आप करने जा रहे हैं, तो आपके मन में जो एक सवाल उठता है कि ये करने के बाद क्या हमें सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ वहाँ पर हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो चलिए आइए देखते हैं मान्य है या नहीं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक सवाल उठ के आता है। जो भी इससे आप कोर्स कर रहे हैं या आप डीलेट कर रहे हैं, तो आपके सामने एक ये सवाल ज़रूर उठ के आ रहा होगा कि ये नौकरी में मान्य होता है या नहीं होता है। तो आपका जो इसका आंसर होगा यही होगा कि हाँ बिल्कुल ये नौकरी में मान्य है। आप कहीं से भी रह के कहीं से भी कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लीजिए, सभी जो हैं नौकरी में मान्य होंगी। आप कहीं से भी जॉब करिए, एग्जांपल के तौर पे आप डीलेट कर रहे हैं, आप यूपी से, एमपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, कहीं से भी रहने वाले हैं, कहीं से भी आप डीलेट करिए। डीलेट करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, आपका डीलेट जो है वो मान्य होगा। तो इसे एक स्टेट वाइज मत देखिएगा कि मैं यदि बिहार और यूपी से हूँ तो सिर्फ यूपी बिहार में ही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। आप भारत में, इंडिया में कहीं भी जाके जॉब कर लीजिए, वहाँ पे अगर डीलेट मांग रहा है तो आप बड़े आराम से एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए। तो नौकरी में बिल्कुल मान्य है। तो चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट में एक सारांश ले लेते हैं, और NIS के जो सारांश अगर हम निकालें तो सबसे बड़ा सारांश इसका ये निकलता है कि इसकी मान्यता सब जगह है, इसकी फीस जो है बहुत कम है। अदर इंस्टीट्यूट, अदर जो स्कूल्स होती हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ से बहुत कम इसकी फीस होती है। आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, तो आराम से ले सकते हैं। परीक्षा के आपको कई मौके दिए जाते हैं, कई बार आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। ये बेनिफिट जो होता है आपको, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन कोई भी हो या फिर चाहे ये आपका NIS हो, यहाँ पे परीक्षा के कई मौके एग्जाम के आपको दिए जाते हैं। सरकारी मान्यता है या नहीं है, तो बिल्कुल सरकारी मान्यता है इसको। आपका MHRD के द्वारा अप्रूव्ड है, तो आप बिल्कुल इसको मान समझिए, आप सब जगह के लिए एलिजिबल हैं और सब जगह आपको कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको सरकारी मान्यता मिली हुई है। दूसरा, नौकरी में मान्य है या नहीं है, तो बिल्कुल मान्य है ये नौकरी में। आप किसी भी स्टेट में रहते हुए, एक स्टेट में रहते हुए दूसरे स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो नौकरी में भी NIS से जो भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलती है वो मान्य है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। हमारी एक कोशिश थी कि NIS के बारे में हम आपको बताएं। इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।